अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या औरतें एतिकाफ़ में बैठ सकती है? तो औरतें भी एतिकाफ़ में बैठ सकती है घर में बैठे। मर्द मस्जिद में एतिकाफ़ कर सकता है और औरतें जो है घर में एतिकाफ़ करेंगी। घर के किसी हिस्से को या घर के किसी कोने को वो एतिकाफ़ के लिए ख़ास कर लेगी और उस जगह में जो है बैठ कर के इबादत करेगी। और हदीस में इसका सबूत भी मिलता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे में एतिकाफ़ फरमाया करते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो फिर जो है आपके अज़वाज मुतहरात के बारे में आता है कि आपके अज़वाज मुतहरात भी रमज़ान मुबारक में एतिकाफ़ फरमाया करती थी। तो अगर कोई औरत एतिकाफ़ करना चाहती है तो वो रमज़ान मुबारक में जो है एतिकाफ़ कर सकती है, बल्कि करना चाहिए, और हदीस में इसका सबूत भी मिलता है। अब अगर कोई औरत ऐसी है कि उसके बच्चे छोटे हैं तो उस छोटे बच्चे को जो है एतिकाफ़ के हालत में दूध वगैरह भी पिला सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात इस मसले को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।